आप लोग पूरे इंडिया से आए हुए, हमने समर्थन देकर ही फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन को बनाया था, लेकिन उन्होंने इधर बिल्कुल ही 7 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया इस मोर्चे को। इसलिए जो अभी शुरू किया काम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो शुरू किया हुआ है, ठीक किया है, एक्सलेंट। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी पूर्व सैनिकों का मैं एक बार नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। साथियों, चारों तरफ से संदेश आ रहे हैं कि फेडरेशन का अगला कदम क्या होगा। अभी हम ऐसे स्टेज के ऊपर हैं कि परसों की मीटिंग के अंदर एडहॉक कमेटी की काफी सारी कमियां उजागर, अगले चरण का फैसला नई काउंसिल 24 सितंबर के तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, यानी 24 सितंबर मंत्र पे धरना चल रहा था, उसका क्या हुआ, कोई भी क्यों जंतर मंत्र धरने के ऊपर से फेडरेशन का बैनर हट करके और एक दूसरी संस्था का लग गया। 24 सितंबर के चुनाव को विराम देने के लिए मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद जो भी स्टेप होगा वो उठाया जाएगा। आप लोग झूठी अफवाहों से सावधान रहें। अफवाह अनुसार यानी कि 20 सितंबर 2023 को फेडरेशन का कोई धरना, प्रदर्शन, घेरा, रैली आदि नहीं है, यानी कि स्पष्ट है कि फेडरेशन की तरफ से चुनाव होने तक 24 सितंबर तक कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना कोई धरना है, ना कोई रैली है, ना कोई घेराव है, कोई आंदोलन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 24 तारीख के चुनाव के बाद ही फेडरेशन के अगले स्टेप क्या उठाना है वो डिसीजन होगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा। रुको जरा, सबर करो। जो 7 महीने पीछे से धरना चल रहा है उसमें कोई त्रुटि रही है, और आप लोगों सभी को पता है किसने त्रुटि किया है। बहुत सोचने वाली बात है, जिनको हमने बागडोर ऐसे समझा पकड़ा दिया और उन्होंने 28 लाख साबका फौजी और 7.5 लाख वीर नारियों के साथ सीधे का सीधा विश्वासघात किया। मैं आपको वादे से बोलता हूँ, उन्होंने जो कुछ किया, जो सब कुछ उन्होंने किया, और वो पिट्ठू बन गए सरकार के, जिसको हमने प्रधान चुना था और वो सरकार का पिट्ठू बन गया, और एक कैप्टन लुकेंद्र सिंह जो यूट्यूब चलाता है वो भी उसका भाई बन गया साथ, और दोनों ने मिलकर पूरे धरने का जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, मेरे को कहते हुए शर्मा आ रही है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का उन्होंने पट्टा बना के रख दिया। इतना बड़ा एसोसिएशन बना था और उसका उन्होंने बिल्कुल पट्टा उठा दिया, और अभी तक नहीं तो पूरा जितनी हमारी मांगे थी, पूरे इंडिया की मांगे थी, और कहां से बैठे हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी के सभी की मांगे थी, लेकिन उन्होंने बीच में सरकार के साथ मिल गए। और मेरे को कहते हुए दुख आता कि कठुआ की मीटिंग में भी उन्होंने जुलूस निकाल दिया फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का, जो कि बिल्कुल इतना गुस्सा आता है। हम फौजी हैं सभी, इतनी नौकरी करके आए हैं, और इतने आदमी, जब मैंने उनसे कठुआ में जो रैली हुआ था उसमें उनसे मैं ये जवाब मांगा, आप लोग मेरे को ये बताओ आप कितनी बार जंतर मंतर पर आए हुए हो, मेरे को इस चीज का जवाब दो आप, लेकिन उनके पास जवाब ही कोई नहीं था। मैं सूबेदार अर्जन सिंह राठौर से जवाब मांगा था डायरेक्ट, आप बताओ कैप्टन जितेंद्र सिंह बताए कितनी बार आए हो जंतर मंतर में, और कितनी बार कितनी रातें रहे हो, या हम जवाब देते हैं कि कितने दिन हम रहते हैं जो साबका फौजी इधर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आते थे दिन दिन में आना, हाड़ी लगाना और चल जाना। क्यों आप लोग बड़े VIP बन गए हो, हम लोगों ने आपको बनाया, जो 150 संस्था का बोल रहे थे कि 150 संस्था ने हमारे को समर्थन दिया है, और 150 संस्था के बीच में सभी हम लोग आते थे, जितने आप लोग पूरे इंडिया से आए हुए, हमने समर्थन देकर ही फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन को बनाया था, लेकिन उन्होंने इधर बिल्कुल ही 7 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया इस मोर्चे को। इसलिए जो अभी शुरू किया काम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो शुरू किया हुआ है,
ठीक किया है, एक्सलेंट सभी।